गुजरात के मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बना हैंगिंग ब्रिज हादसे से पहले तक मोरबी की शान कहलाता था और प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट था। आइए इसका इतिहास जानते हैं। जानकारी के मुताबिक इस पुल का निर्माण आजादी से पहले ब्रिटिश शासन में हुआ था। मोरबी के राजा वागजी रावजी ने झूलता हुआ केबल ब्रिज बनवाया था। बताया जाता है कि इसी पुल के जरिए राजा राजमहल से राज दरबार तक जाते थे। इसका उद्घाटन 1889 में हुआ था, यानी ये ब्रिज 143 साल पुराना था। ब्रिटिश इंजीनियरों के बनाए इस पुल में उस समय की आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। मच्छू नदी पर बना ये पुल लोगों के आकर्षण का केंद्र था। 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा ये ऐतिहासिक पुल गुजरात टूरिज्म की लिस्ट में भी शामिल है। ब्रिज के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी 15 साल से ओरेवा ग्रुप के पास है। ओरेवा ग्रुप का मार्च 2022 से 2037 तक मोरबी नगर पालिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। इस ब्रिज को मरम्मत के बाद हादसे के 5 दिन पहले ही लोगों के लिए खोला गया था। बताया जा रहा है कि पुल पर कैपेसिटी से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।